हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम आपके साथ एक रेसिपी जो रेसिपी शेयर कर रहे हैं वो है इंस्टेंट रूह अफ़ज़ा की। इंस्टेंट इस सेंस में कह सकते हैं कि आप इसे बना के रख लें और जब आपको यूज़ करना हो आप इसे सिर्फ दो से तीन तरह से इसे बना भी सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे इसे प्रिपेयर करना है। तो बाजार जैसा बिल्कुल गाढ़ा रूह अफ़ज़ा कैसे आप सिर्फ दो से तीन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, हम इसमें सिंपल तीन इन्ग्रीडियंट्स चाहिए और बिल्कुल बाजार जैसा रूह अफ़ज़ा आप घर में बना सकते हैं। बहुत इकोनॉमिक होगा क्योंकि इसमें आप जब मैं बनाऊँगी तब देखेंगे कि बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो यहाँ पर देखिए, एक मैंने एक भगोना लिया हुआ है और इसमें मैंने ये दो बोल भर के चीनी डाली है। ये मैंने जो शुगर मापी है वो इस वाले बोल से भर के, दो बोल भर के लिया है। एक कोई भी आप मेज़रमेंट बना ले, उसी से हम सारा पानी और चीनी नापेंगे। अब हम इसमें सेम बोल से मेज़र करना है, डेढ़ कप या डेढ़ बोल जो भी आप ले रहे हैं भर के हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो ये डेढ़ मैंने ग्लास इसमें पानी डाल दिया। अब मैं गैस ऑन कर रही हूँ, इसे हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे और इसमें धीरे धीरे आप देखेंगे कि बॉयल भी आने लगेगा। लगातार इसलिए चलाना है क्योंकि जो चीनी है आप देख रहे हैं मेरी थोड़ी मोटे दाने वाली है बिल्कुल साफ़ पर थोड़ा मोटे दाने की, अगर हम चलाएंगे नहीं तो ये स्टिक नीचे बॉटम पर हो जाएगी। तो इसलिए इसे चलाते रहें और फुल आँच भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। इसे चीनी घुल जानी चाहिए, इसमें उबाल आ जाना चाहिए और हम इतना उबालेंगे कि ये जो चीनी का जो हम चाशनी बना रहे हैं वो थोड़ी सी चिपचिपी हो जाए। इसमें हमें तार नहीं बनाना है, बस इसमें बॉईल आएगा और थोड़ी देर हम खदकाएंगे तो ये थोड़ी सी चिपचिपी हो जाएगी। तो हम इसे बॉईल कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसे कितना बॉईल आ चुका है, ये 5 मिनट हो चुके हैं मुझे इसे पकाते हुए और ये देखिए ये थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो गया है, देख रहे होंगे आप। और चाशनी आप देखिए बिल्कुल क्लियर है क्योंकि चीनी मैंने बिल्कुल साफ़ करके डाली थी। अगर आपको लगता है कि आपकी चाशनी गंदी है तो यहाँ पर इस तरह से झाग बन जाएंगे, आप उसे चम्मच से या किसी छन्नी की सहायता से निकाल सकते हैं। अब इसमें जब ये बॉईल आ चुका है, 5 से 7 मिनट आपको पकाते हुए हो जाएं, तो आपको ये देखिए यहाँ पर मैंने ये उसी सेम कप से एक कप या एक बोल भर के मैंने पानी को बिल्कुल उबाल लिया है। ये गर्म खौलता हुआ पानी है और ये देखिए आप देख रहे होंगे धुआं भी आ रहा है इसमें से। हम लगभग 1 चम्मच पानी इसमें डालेंगे और इसे चलाएंगे। ये देखिए इसका टेम्परेचर इसी तरह से गर्म, जो हमने गर्म चाशनी में गर्म पानी डाला है इसका टेम्परेचर ये अपने आप कट जाएगा। ये देखिए मैं थोड़ा सा पानी और ऐड कर रही हूँ, तो धीरे धीरे करके हम इसी तरह से ये पानी मिक्स कर रहे हैं। इसमें जो ये प्रोसेस है ये बहुत ज़रूरी है और इसकी वजह से ही जो आपको जो गाढ़ा बिल्कुल जो बाज़ार जैसा आपको सिरप मिलता है ना रूह अफ़ज़ा, वो इसी टेक्निक से आएगा। आप करके देखें बिल्कुल वैसा ही बनेगा आपका, और जो मार्केट में जो किया जाता है वो यही स्टेप फॉलो करते हैं। तो ये देखिए धीरे धीरे करके मैंने काफ़ी पानी इसमें ऐड कर दिया है और ये मेरा पूरा एक बोल पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया। और ये देखिए अब जब ये सेटल डाउन हो गया सारा, तो अब हम इसमें वापस से ये देखिए दो बोल भर के मैंने चीनी ली है, ये वापस से हम इसमें ऐड करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैं चाहती तो पहले ही ऐड कर सकती थी, पर मैंने आपको बताया आप एक साथ जो नॉर्मल चाशनी बनाते हैं अगर वैसे बनाएंगे तो उससे क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। आप देखेंगे थोड़े दिनों बाद बॉटल में चीनी की परतें सी जमने लगेंगी, पर आप इस मेथड से बना के देखें बिल्कुल अच्छे से और 4 से 6 महीने तक आप इसको रखें, बिल्कुल ना ख़राब होगा फ्रिज में और ना ही इसमें कोई शुगर क्रिस्टल बनेंगे। तो अब हम इसे चीनी घुलने तक फिर से पकाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने वापस से इसे 5 मिनट इसे उबाला है और आप देखिए इसकी चाशनी जो हमने तैयार की है बिल्कुल अच्छे से ये थिक हो चुकी है, चिपचिपी बहुत ज़्यादा नहीं हुई है कि तार बनने लगे, पर हाँ इसमें एक गाढ़ापन देखिए आ चुका है। तो 5 मिनट हमने इसे पहले बॉईल किया और 5 ही मिनट हमने अब दोबारा से इसे चीनी डाल के बॉईल किया है। तो बस अब ये तैयार है और अब हम इसमें जो हमें मिलाने हैं इंग्रेडिएंट्स वो मिलाते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने 1/2 चम्मच सिट्रिक एसिड लिया है, ये मैं इसमें डालूँगी। गैस को मैं बंद कर दूँगी और सिट्रिक एसिड बहुत ही इजीली किसी भी ग्रॉसरी स्टोर पे या सुपरमार्केट में इजीली मिल जाएगा आपको, और अगर ना मिले तो आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं।
तो बहुत ही कॉमन इंग्रेडिएंट है, आसानी से मिल जाता है। इसकी वजह से जो ये शुगर सिरप है इसमें स्मेल नहीं आएगी, ये ख़राब नहीं होगा और ये अच्छे से प्रिजर्व होगा। इसको हिंदी में नींबू का सद भी कहते हैं। तो ये देखिए ये अच्छे से इसमें डिजॉल्व हो चुका है और अब हम इसमें ये देखिए ये मेरे पास पेपिलोन का फ्लेवर है, आर्टिफिशियल फ्लेवर है और ये फूड कलर प्लस एसेंस ये मिक्स आता है। और आप देख रहे हैं इसका जो नाम भी है वो रू रोज़ है, यानी कि ये जो नेचुरल कलर आना चाहिए रू अफ़ज़ा का सेम वही आएगा। और इस तरह से ये मेरे पास पूरा इसका ये सेट है और ये मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किया है। अगर आपको चाहिए ये इमल्शन होता है, इसमें आपको अलग से एसेंस या कलर अलग अलग डालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए ये पेपिलोन का इमल्शन है और इस तरह से इसमें बहुत सारे फ्लेवर और ये देखिए इस तरह से ये 10 फ्लेवर्स मुझे मिले हैं इसमें। तो इस तरह से मैंने इसमें से ये रू रोज़ लिया है और अब हम इसमें मिक्स करेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है और देखिए कितना खूबसूरत कितना प्यारा कलर आया इसमें। और ये हम अच्छे से इसमें डिसॉल्व कर देंगे। और जैसे कि मैंने बताया मेरे पास इमल्शन है, अगर आपके पास रोज़ वाटर और रेड कलर है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और कलर आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग डालें कि कितना डार्क चाहिए और जो एसेंस डालें वो 1/2 टीस्पून डालें। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर आ गया और ये बिल्कुल बनके तैयार है। इसको हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे और फिर मैं दिखाऊंगी इसकी कंसिस्टेंसी कि ये रखने के बाद बिल्कुल मार्केट जैसा गाढ़ा कैसे हो जाएगा। फ्रेंड्स अब मैं आपको ये दिखाती हूँ कि कैसे इसे बनाना है। ये देखिए ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, मैंने इसे इस समय ये बाउल में निकाल लिया है अभी क्योंकि ये काफ़ी गर्म था, तो इसे मैंने छोटे बाउल में निकाल लिया ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। और जब वो पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तो आपके पास अगर इस तरह की कोई भी कांच की बॉटल है तो आप इस तरह से किसी भी कांच की बॉटल में बिल्कुल ठंडा हो जाने के बाद इस तरह से भर सकते हैं। किसी भी तरह की इस तरह की कांच की बॉटल हो आप उसमें उसे फिल करके और ढक्कन लगाकर फ्रिज में या बाहर भी आपका 1 महीने तक ये कहीं नहीं जाने वाला, बिल्कुल ठीक रहेगा। और फ्रिज में तो ये 5 से 6 महीने तक आराम से चलेगा, आप चाहें तो इसे बल्क में भी बना के रख सकते हैं। तो अब मैं इसे 2 तरीके से बनाना दिखा रही हूँ आपको कि 2 तरीके से कैसे बना सकते हैं आप। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने ये बनाया था, सबसे पहले मैं ये ग्लास जो ले रही हूँ इसके ऊपर ये मेरे पास नींबू है, जो इसके एज हैं मैं इस तरह से देखिए एज के ऊपर मैंने ये हल्का सा नींबू लगाया। और यहाँ पे ये मेरे पास पिसी हुई चीनी है, इसके ऊपर मैं ये ग्लास इस तरह से देखिए हल्का सा बस करेंगे। ये मैं सिर्फ आपको डेकोरेशन दिखा रही हूँ। और ये देखिए ये इस तरह से इसके रिब बन जाती है। और अब जो हमने ये सिरप तैयार किया है रोज़ सिरप, ये हम इसमें ऐड करेंगे। आप देख रहे हैं कितना गाढ़ा है जबकि अभी ये पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है, और जब ये जितना ठंडा होगा उतना ही ये गाढ़ा होता जाएगा। तो यहाँ पर ये मैंने 4 टीस्पून यूज़ किया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ ये आइस क्यूब्स। अब हम इसमें अपने नीड के अकॉर्डिंग पानी भरेंगे। इसको चलाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा ये काफ़ी गाढ़ा होता है, तो ये बॉटम में इस तरह से थिक बैठ जाता है। तो ये देखिए ये हमने तैयार कर दिया और लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारा होममेड रू अफ़ज़ा। और आप किसी के सामने भी सर्व करेंगे, कोई कह नहीं सकता कि आपने घर में तैयार किया है। तो आप चाहें तो इसमें नींबू का रस अंदर भी डाल सकते हैं, थोड़ा काला नमक ऐड कर सकते हैं, तो इसका टेस्ट और भी इन्हांस हो जाएगा। ये मैंने बिल्कुल सिंपल तरीका दिखाया है। तो आइए अब हम दूसरा तरीका देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये ग्लास में मैंने वापस से 4 टीस्पून ये सिरप ऐड किया है और अब मैं इसमें ये मेरे पास भीगा हुआ सब्ज़ा है, ये आप सब जानते होंगे बहुत हेल्दी होता है, तो ये मैं इसमें 2 टीस्पून डाल रही हूँ। और इसके बाद मैं इसमें आइस क्यूब ऐड कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से हमने आइस डाल दिया
और अब हम इसमें बिल्कुल चिल्ड मिल्क डालेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, आप देख रहे होंगे। ये देखिए लेयरिंग हो गई है, पर हम इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे। ये देखिए, तो ये हमारा बिल्कुल फटाफट से तैयार होने वाला एक ड्रिंक तैयार हो गया, मिल्क शेक आप कह सकते हैं इसे। तो बहुत हेल्दी है और बच्चों को बहुत पसंद आता है, आप ट्राई करें और यकीनन उन्हें पसंद आएगा। तो आई होप आपको ये मेरा बताया हुआ जो रूह अफ़ज़ा का टेक्निक है ये पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं वेट करूँगी। तो बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।